गुड मॉर्निंग दोस्तों। है नमस्कार किसान भाइयों, आपका ये वीडियो मेनली बनाया जा रहा है आपको सबसे पहले बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए। फसल सहायता होता क्या है? फसल सहायता का मतलब गवर्नमेंट आपको फ्री में एक आपके जो लॉसेस होते हैं उसकी छोटी सी भरपाई करती है। बस एक छोटी सी भरपाई, पूरी भरपाई नहीं करती, बस छोटी कोशिश रहती है कि उसको कुछ भरपाई कर दिया जाए। इसके अंतर्गत आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत आपको खरीफ फसल का जो है बीमा होगी, यहाँ पर सहायता योजना रखा गया, लेकिन एक्चुअली इसका नाम होता है फसल बीमा योजना। तो इसके अंतर्गत आपको धान, मक्का और सोयाबीन, इन तीनों का बीमा है। इसका मेन आप सबसे पहले याद रखिए आवेदन की तिथि। आपका जो बीमा स्टार्ट होगा 1 अगस्त 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक निर्धारित है। इस बीमा का जो डेट है 1 अगस्त से स्टार्ट होगा और 31 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, 31 अक्टूबर तक चलेगी, सॉरी, 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक चलेगी। 2 महीने आपके पास टाइम है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, सॉरी 3 महीने का आपके पास टाइम है, 3 मंथ आपके पास टाइम है। तो आपको इसमें करना क्या क्या है? सबसे पहले इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है। ठीक है, उससे आपको ऑनलाइन आवेदन होगी। सबसे पहले जो आवेदन है इसका ऑनलाइन व्यवस्था किया गया है, ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन से आपका वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है state.bihar.gov.in/cooperative। मेनली इसमें जानकारी ये देना है कि ये आपका सबसे पहले आपका है स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट आपका क्या है? 1 अगस्त। मीन्स अभी रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, तो आज का ही डेट से स्टार्ट होगा। एंड लास्ट डेट आपको याद रखना है 31 अक्टूबर। लेकिन आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, आपको अभी से स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, इसमें आपको 2 तरह से अनुदान मिलती है, एक रैयत किसान को, एक गैर रैयत किसान को। तो रैयत क्या होते हैं? रैयत किसान उनको बोला जाता है, रैयत किसान उनको बोला जाता है जो कि जिनका खेत खुद का होता है। रैयत किसान के मतलब खुद का जो खेत करते हैं, खुद का खेती, उनको बोलता है रैयत किसान। गरीयत मतलब जो दूसरे के किसान का खेती करते हैं, जैसे बटाईदार जो हो गए, सिंपली बटाईदार, या जो पैसे पे करते हैं। मीन्स उनका अपना खेत नहीं होता, किसी से खेत को रेंट पे लेके करते हैं। रेंट का तरीका अलग अलग होता है उनका, बाकी उनके और किसान के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ उस पर डिपेंड करता है। तो रैयत किसान को क्या क्या चाहिए? अगर जो किसान रैयत है, जिनका अपना भूमि है, जो खुद का खेती करते हैं, उनको सबसे पहले चाहिए LPC, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद। मीन्स LPC चाहिए या खेत का रसीद चाहिए, दो चीज़ चाहिए। खेत का रसीद जो भी कटा रहेगा आपका 31 मार्च के बाद का कटा होना चाहिए। मीन्स आपको करेंट ईयर 2022 से 2023 का कटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद एक स्वघोषणा पत्र, दो चीज़ रहते हैं। स्वघोषणा पत्र आपको मिल जाएंगे जब आप इस वेबसाइट पे जाइएगा, इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये आपका था रैयत किसान के लिए। मीन्स रैयत किसान को ध्यान रखना दो चीज़ का, या तो आपके पास LPC LPC, नहीं तो रसीद रसीद, दोनों देना है, और स्वघोषणा प्रमाण पत्र देना है। गैर रैयत के लिए क्या है? एक सिर्फ स्वघोषणा प्रमाण पत्र है, स्वघोषणा पत्र है सिर्फ। मीन्स वो बार्ड अथवा किसान सलाहकार से हस्ताक्षर कर देंगे। मीन्स एक स्वघोषणा प्रमाण पत्र आता है, मैं इसको बाद में खोल के दिखा दूंगा कैसा होता है, अगर अभी अपलोड हुआ होगा तो होगा, नहीं तो फिर मैं एक कोई एक दिखा दूंगा कैसा होता है। ठीक है, स्वघोषणा प्रमाण पत्र इसमें ले लेना है। इसमें आपको रकबा, कौन सा फसल लगा रहे हैं उभर के, आपको किसान सलाहकार या वार्ड मेंबर, जो आपके आपका जो वार्ड है उनके वार्ड सदस्य, उनका उस पर हस्ताक्षर और मोहर चाहिए, वो करवा के लाइएगा, उसको ऑनलाइन हो जाएगी। एक तीसरे तरह किसान है गैर रैयत एंड रैयत दोनों। रैयत गैर रैयत दोनों कौन होते हैं? वैसा किसान
जिनका खुद का खेत है, प्लस वो रेंट पे भी लिए हुए हैं, वो खेत को रेंट पे, जिसको बोलते हैं बटाएदार, वो भी लिए हुए हैं, उनको बोलते हैं रेतन करिए, दोनों सेम रखा जाता है, उनके लिए भी दोनों सेम चीज़ है, एक रसीद लाइए चाहिए, दूसरा वार्ड का साइन चाहिए, उसमें भी इनका एक अलग से घोषणा पत्र अपलोड होते हैं, उसको करना है। आगे बात समझ में, ये तीन तरह किसान है, पहला रैयत, दूसरा गैर रैयत, तीसरा रैयत एंड गैर रैयत दोनों। तो रैयत में क्या है, जिनका अपना खेत है वो रैयत में आते हैं, जिनका अपना खेत नहीं है रेंट पे लेने गैर रैयत, जिनको अपना भी खेत है कुछ रेंट पे भी लिए, दोनों में आ जाएंगे। दोनों में क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको रसीद चाहिए, इसमें आपको एक फॉर्म आएगा, फॉर्म पे किसान का सॉरी किसान सलाहकार या वार्ड का साइन चाहिए। रेत गैर रैयत में सेम आपको रसीद प्लस किसान और वार्ड मेंबर का साइन दोनों चाहिए। ये तो समझ में आ गई होगी। अब इसमें इसमें इस योजना अंतर्गत लोग कर क्या सकते हैं, मीन्स सबसे पहले यहाँ दिया गया है एक फसल से ज़्यादा बीमा के चयन की सुविधा, मीन्स एक फसल से ज़्यादा का बीमा ये चुन सकते हैं, इसे आलू भी चुन सकते हैं, सोयाबीन भी चुन सकते हैं, सॉरी आलू नहीं आएगा इसमें, बता दिए, इसमें धान भी चुन सकते हैं, मक्का भी चुन सकते हैं, सोयाबीन चुन सकते हैं, तीन चीज़ है, मीन्स आपके यहाँ क्या क्या होता है उसके अनुसार है। और इस अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर का ही आप किसान सहायता का भुगतान किया जाएगा, मीन्स अब आपको पहले बताया थे कि छोटा सा आपको सहायता प्रदान करती है, मीन्स 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है आपको ये बताता हूँ, 4.95 एकड़, ठीक है, 1 एकड़ बराबर 100 डिसिमल, आपका यही आपका इसका है, इस 100 डिसिमल बराबर 1 एकड़ और 4.95 एकड़ बराबर 2 हेक्टेयर होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा आपको हाईएस्ट 5 एकड़ का ही मिलेगा, 5 से कम ही 5 मान के चलते हैं, 5 एकड़ का मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। नगर पंचायत नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने कर सकते हैं, मीन्स इसमें जो नगर पंचायत हैं और नगर परिषद के क्षेत्र के वाले लोग भी कर सकते हैं। तो पहले क्या था, नगर परिषद वाले को नहीं मिल रहा था, तो अब क्या है, दोनों को मिलेगा। चलिए ये तो आपका इन्फॉर्मेशन था, अब इसके बारे में बताते हैं होता कैसे है, कैसे क्या करना होता है। सबसे इसको जूम आउट कर लेते हैं, इसमें क्या है, रैयत एंड गैर रैयत आंशिक रूप से रैयत गैर रैयत दोनों श्रेणी किसानों के लिए। तीसरा क्या है, खरीफ के लिए सभी प्रमुख फसलें अथवा अघनी धान, बदरी मकई एवं सोयाबीन, समस्तीपुर खगड़िया एवं बेगूसराय भी शामिल है इसमें। सोयाबीन एक्चुअली समस्तीपुर में होता है, खगड़िया होता है, बेगूसराय होता है, तो सोयाबीन वहाँ के लोग के लिए आवेदन निःशुल्क है। चलिए आवेदन के लिए आपको कोई पहले बताया था इसमें कोई प्रीमियम नहीं देना है, बस आपके प्रीमियम के मतलब ये हुआ कि जो अगर आप अपने से करते हैं तो ठीक है, अगर किसी साइबर कैफे या CAC से करवाते हैं तो अपना शुल्क लेंगे। इस चीज़ आप बताते हैं आप वही साइबर कैफे और CAC स्कैन से कराएं जो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि नए नए वाले लोग को पता नहीं रहता, आपको गलत कर देंगे, आपको पैसा नहीं आता है, वो दिक्कत होता है, जो एक्सपर्ट है उन्हीं से करवाएं, ये मेरी सलाह है। आप कमेंट में पूछे जहाँ पे हम सबका लगभग जगह को मेरे मालूम है कौन कौन एक्सपर्ट लोग हैं, आपको एड्रेस सेट मिल जाएगा, आप कमेंट कीजिए बता देंगे कौन कौन लोग कहाँ और कहाँ कहाँ करवा सकते हैं। आपको जो इसमें मिलेगा, अगर 20% तक क्षति होती है तो 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा, मीन्स आपको 2 हेक्टेयर मिलेगा टोटल, अगर 2 हेक्टेयर आपके पास खेत है तो आपको मिलेंगे 15000 रुपये, अगर 20% तक क्षति है तो आपको 15000 रुपये मिलेंगे, अगर 20% अधिक क्षति है तो आपको 20000 रुपये मिलेंगे, बस यही आपका इसमें दिया है। बाकी आप इस नंबर पर कॉल करके सुझाव भी मांग सकते हैं क्या करना है क्या नहीं, इसमें यही करना था आपको, बाकी डिपेंड कर रहा है आपका फसल कैसा होता है। एक्चुअली बिहार में तो लग रहा है सूखा ही होगा क्योंकि वर्षा का तो संभावना है नहीं, खासकर दक्षिण बिहार में, तो लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और वीडियो को ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान को इसकी सहायता मिल सके। धन्यवाद।